गोश में हम 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून लहसुन डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। ये 250 ग्राम्स ऑफ गोश है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन वेज पुलाव या मटन वेज तहरी। इसके अंदर वेजिटेबल आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। मैंने ये लिए हुए हैं आलू एक बिग साइज़ का, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। छोटी साइज़ की प्याज 5 से 6, लाल वाली मिर्ची मेरे पास स्वीट वाली थी मैंने 2 डाल दी, आपके पास नहीं है आप नहीं डालें। शिमला मिर्च मेरे पास छोटी वाली थी मैंने 3 ली हुई है, अगर आपके पास बड़ी वाली है आप आधी ले लें। 3 टेबलस्पून जितने मटर, 1/2 या 1/2 जितनी फूल गोभी, आप इसमें गाजर और बैंगन भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाले हैं। टमाटर 3 बिग साइज़ के। इसके मसालों में जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून जितना सौंफ, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, 1 टीस्पून धनिया पाउडर रोस्टेड, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, अदरक और लहसुन 1 टीस्पून है, और हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास 1.5 टीस्पून जितना। इसके अंदर बघार के अंदर जाएगा शाही ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 3 से 4 ग्रीन वाली इलायची, 1 दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 1/2 चम्मच जितना 1/2 टीस्पून जितना साबुत वाला काला मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 तेज पत्ते। 250 ग्राम ऑफ बासमती चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। अदरक लहसुन नमक डाल के मैंने गोश्त प्रेशर कुक कर लिया था, इसका गोश्त मैंने अलग कर लिया, स्टॉक इसका मैंने अलग कर लिया। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया 3 टेबलस्पून जितना, 3 से 4 टेबलस्पून जितना, 3 टेबलस्पून जितना हरा लहसुन, और 3 हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया, इसमें 1 बाय 1 में मैं सारी सब्जी लाल करके निकाल लूँगी। हमारी सारी सब्जियां मैंने फ्राई करके निकाल ली है। अब सेम ऑयल के अंदर हम डाल देंगे हमारा ये बघार का मसाला। बघार होने के बाद हम डाल देंगे हल्दी, और अदरक लहसुन हरी मिर्चें, दो तीन स्टर के बाद हम डाल देंगे हमारा टमाटर और नमक, इसको मिक्स करेंगे और ढक देंगे। जब टमाटर हमारे मैश हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, ये सारे सूखे मसाले, और इसको मिक्स कर लेंगे। कवर करके तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाए। 2 मिनट में हमारा मसाला भुन जाएगा। इसमें मैंने बहुत तेल नहीं डाला है क्योंकि हमने चावल इसी में पकाने हैं, तो फिर चावल में बहुत तेल हो जाएगा। मैं इसमें डाल दूंगी स्टॉक जो हमने गोश्त का निकाला हुआ था, इसको मिक्स कर लूंगी। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा, मैंने स्टॉक के साथ थोड़ा सा पानी भी मिलाया था, तब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावल 1/2 डन होने तक हम इसमें पकाएंगे। हमने इसमें मसाले जितना ही नमक डाला था, सो अब चावल के हिस्से का नमक मिलाना है। मैं चावलों जितने इसमें नमक डाल रही हूँ, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं चावल बॉईल होने तक इसको 1/2 डन होने तक पकाऊंगी। मैंने इसको बॉईल होने दिया, अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर, आलू, क्योंकि आलू शायद कच्चे हो अंदर से, तो ये इसके साथ पक जाए। चावल हमारे 1/2 डन हो गए, मैं इसमें फूलगोभी डाल दूंगी, प्याज, अगेन इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। हमारे चावल कुक होने आए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हरा लहसुन, धनिया, गोश्त, शिमला मिर्च,
इसको मिक्स करके हम इसको दम पे रख देंगे। ये रेडी है हमारा मटन वेज पुलाव या मटन वेज तहरी, ये आप रायते और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मजे का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको जरूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।